नमस्ते प्यारे बच्चों कैसे हो उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 54 ये आपके पढ़ना अभियान की मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और आज की हमारी थीम है मेजरमेंट इन डेली लाइफ यानी कि नापना या तोलना बेसिकली यहाँ पर हम नापना या मापना है वो हमारे जो दिन प्रतिदिन के कार्य हैं उनमें तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे आपका सेक्शन ए बी सी डी लिखेंगे आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखेंगे उसके बाद ये वर्कशीट स्टार्ट करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट आइए हल करें पार्ट टू क्योंकि पार्ट वन हमने किया हुआ है तो पार्ट टू स्टार्ट करते हैं नीचे दी गई आकृतियों की बाहरी सीमा की लंबाई लिखिए नीचे दी गई आकृति यानी कि जैसे ये है इसकी बाहरी सीमा क्या है ये वाला एरिया त्रिभुज की क्या है ये वाला एरिया ये पेंटागन बना हुआ है तो इसकी क्या है ये वाली सीमा तो हमें क्या करना है जो ये मेजरमेंट दिया है अगर हम इन सभी को जोड़ देते हैं तो हमें बाहरी सीमा पता चल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ये जो हमारा रेक्टेंगल यानी कि आयत बना हुआ है आयत में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है यानी कि अगर ये तेईस है तो ये वाली भी तेईस होगी ठीक है ये सत्रह है तो ये वाली भी सत्रह मीटर होगी तो हमें क्या करना है हमें तेईस जमा सत्रह जमा तेईस जमा सत्रह करना है तो इस तरीके से इसका हमें टोटल निकल आएगा तो हम कर लेते हैं तेईस जमा सत्रह जमा तेईस और फिर जमा सत्रह तो इसका मेजरमेंट टोटल हो जाएगा तो हम जोड़ते हैं सात सात चौदह और तीन सत्रह और तीन बीस तो बीस की दो हाँ बीस की ज़ीरो हासिल दो लगा दी हमने उसके बाद है हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो ये हो गया हमारा अस्सी मीटर ठीक है इसे करने का एक और तरीका था तेईस हमारे पास दो बार है तो तेईस गुणा दो जमा सत्रह गुणा दो ये करते हैं तभी भी हमारा आंसर यही आएगा तो करके देख लेते तीन दूनी छः दो दूनी चार सात दूनी चौदह दो एकम दो और एक तीन छः चार दस चार चार आठ यानी कि अस्सी सेंटीमीटर ठीक है अब अगला है हमारे पास त्रिभुज त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो इन्हें तीनों को हमें एक साथ जोड़ना है जैसे छत्तीस जमा साठ जमा अड़तालीस तो इसका क्या बनेगा हमारा छ और आठ फोर्टीन यानी चौदह ठीक है छः चार दस और तीन तेरह और एक चौदह जो हमारी यहाँ से लगी तो एक सौ चवालीस मीटर अगला हमारे पास ये पेंटागन इसमें सारी भुजाएं एक बराबर हैं तो हम इसके लिए बहुत सिंपल कर सकते हैं इसकी कितनी भुजाएं हैं एक दो तीन चार पाँच हम तेरह गुणा पाँच करते हैं तो भी इसकी पूरी लंबाई निकल आती है या फिर हम तेरह जमा तेरह जमा तेरह जमा तेरह और जमा तेरह करते हैं तभी भी हमारी इसकी पूरी लंबाई निकल आती है तो दोनों तरीके से इसकी लंबाई सेम होगी क्योंकि एड, रिपीटेड एडिशन जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन ही होता है तो पाँच तिया पंद्रह हाँ से लगी एक पाँच और एक छः यानी कि पैंसठ मीटर और इन सबको भी हम जोड़ते हैं तीन तीन छः तीन तीन नौ तीन चौहार तीन पंजे पंद्रह की पाँच हासिल से एक एक दो तीन चार पाँच और एक छः पैंसठ मीटर ठीक है तो ये भी पैंसठ मीटर हो गया ठीक है इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं अब अगला प्रश्न देखते हैं नीचे दी गई आकृति में छह बॉक ब्लॉक्स से अलग अलग आकृतियां बनाने का प्रयास कीजिए तथा उनकी बाहरी सीमा की लंबाई मापकर नीचे दी गई तालिकाओं पूरी की दीजिए ठीक है तो हर उसका ब्लॉक जो है वो एक सेंटीमीटर लंबा और एक सेंटीमीटर ही चौड़ा है जैसे पहला दिया गया ये बनी हुई आकृति इसमें हमें क्या है इस आकृति में देख लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो ये इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी हो जाएगी दस मीटर या दस सेंटीमीटर ब्लॉक्स कितने यूज हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो हमें अब आउटर जो उसकी बाउंड्री है वो पता करनी है तो उसकी हो जाएगी टेन सेंटीमीटर की लंबाई अब अगला हम देख लें हमें छः ही लगाने हैं तो हम इस तरीके से देख लें एक दो तीन चार पाँच और छ तो इसमें हमें क्या करना है वन 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 इसका भी वन इसका वन और इसका वन तो टोटल कितना हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो इसकी हो जाएगी हमारी फोर्टीन सेंटीमीटर ठीक है अगली हमारी आकृति मान लीजिए मैंने बनाए चार और दो ठीक है तो इसमें क्या होंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह तो इसकी हो जाएगी हमारी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ट्वेल्व थर्टीन और फोर्टीन इस फिगर की भी जो लंबाई होगी वो हमारी फोर्टीन ही हो जाएगी क्योंकि ये शेप लगभग सेम है ठीक है अब आप दूसरा बना सकते हैं मान लीजिए आपने दो ब्लॉक्स ऐसे जोड़े तीन इस तरीके से जोड़े फिर दो इस तरीके से जोड़ दिए और एक हमने इस तरीके से जोड़ दिया तो इसमें कितना हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व इसकी हो जाएगी हमारी ट्वेल्व सेंटीमीटर अगला हम बना लेते हैं एक दो तीन चार पाँच और छः मान लीजिए ठीक है तो इसकी क्या हो जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन इसकी भी हो जाएगी फोर्टीन सेंटीमीटर तो आप इस तरीके से बनाकर जो नीचे टेबल दी गई है उसमें आकृतियाँ लिख लिख कर ए बी सी डी डालकर इनको कंप्लीट कर लीजिएगा ठीक है ये जो हमारी ए है ए की टेन सेंटीमीटर थी बी की फोर्टीन सेंटीमीटर सी की भी फोर्टीन थी डी की ट्वेल्व थी और ई e की भी फोर्टीन सेंटीमीटर थी ठीक है आप अलग तरीके से अगर बनाना चाहते हैं कोई आकृति तो आप वो बनाकर भी बाउंड्री उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं पेरेंट्स आपके लिए सजेशन है कि बच्चों को कुछ ऐसे उदाहरण बताइए जिसमें हमें बाहरी सीमा की लंबाई जानने की आवश्यकता होती है जैसे खेत या बगीचे पर बाड़ लगाना साड़ी पर लेस लगाना तो आउटर जो उसका एरिया होता है उसे नापने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं जैसे आप घर का कोई गेट डेकोरेट कर रहे हैं तो आपको कितना पेपर चाहिए उसके लिए भी आपको उसका आउटर मान लीजिए सिर्फ बॉर्डर लगाना तो आपको आउटर एरिया कैलकुलेट करना होगा तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूजफुल रही होगी अगर यूजफुल रही है तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद